हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू वेजिटा को अपने भयानक सपने के बारे में बता देता है। एक ऐसा सपना जिस पर विश्वास करना वेजिटा के लिए बहुत ही मुश्किल था। इविल जालमा गोकू को एक नए खतरे के लिए तैयार रहने को कहता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि गोकू की पावर्स अब लो हो चुकी है। अब सभी एंजल्स जैनू के पास जाते हैं ताकि किसी एक को ग्रैंड प्रिस्ट की पोजीशन मिल सके, मगर विश जैनू को एक एडवाइस देता है जिसे सुनकर जैनू किसी को भी ग्रैंड प्रिस्ट की पोजीशन नहीं देता। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोज रोज लॉन्ग वीडियो बनाना काफी मुश्किल होता है, फिर आप उससे भी लॉन्ग बनाने की डिमांड करते हो। अगर आप लोग जितने जल्दी सब्सक्राइब इंक्रीज करवाओगे तो मुझे आपके लिए और लॉन्ग वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और लाइक भी ज्यादा किया करो। अगर आप ये दोनों काम कर देते हो तो आपके लिए और बड़ी वीडियो बनाई जाएगी। तो अब आपके प्यारे कमेंट्स करना शुरू कर दो क्योंकि वीडियो अब स्टार्ट हो रही है। बीरज शॉक होकर कहता है, क्या जैनसामा ने वो पोजीशन किसी को भी नहीं दी? ऐसा कैसे हो सकता है? विश कहता है, ऐसा हो चुका है लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, मगर ये किस बेवकूफ की वजह से हुआ? विश स्माइल करके मन में कहता है, लॉर्ड बीरस को अगर पता चला कि ये सब मैंने किया है तो वो मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। बीरस कहता है, बताओ मुझे विश, ऐसा कौन सा एंजल है जिसने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी? विश अब झूठ कहता है, वो यूनिवर्स 6 की एंजल थी लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, कौन वो वेडोस? विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, हाँ उसका डिस्ट्रॉयर भी उसी की तरह बेवकूफ है। विश कहता है, आप अपने भाई को इतना नापसंद क्यों करते हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, वो हमेशा से मेरी बराबरी करके मुझसे आगे निकलने की कोशिश करता है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ जो अपने जमाने में डिस्ट्रॉयर रह चुके हैं। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, तुम्हें पता है एक दिन जब मुझे ये डिस्ट्रॉयर की पोजीशन मिल रही थी तब मेरा भाई बीच में आ गया और वो भी डिस्ट्रॉयर बनने की जिद पर अड़ गया। विश कहता है, उसके बाद क्या हुआ लॉर्ड बीरस? बीरस बताता है, होना क्या था, उसे भी डिस्ट्रॉयर बनाया गया क्योंकि वो और मैं बराबर एज के हैं। उसने कहा कि हम दोनों बराबर हैं तो हम दोनों को ये जगह मिलनी चाहिए। इसके बाद मेरी फैमिली वालों ने उसे भी डिस्ट्रॉयर बना दिया। विश कहता है, मगर लॉर्ड बीरस, आपने तो बताया था कि आपकी फैमिली पर एक इविल एंटिटी ने हमला कर डाला था। बीरस कहता है, मैं मेरे पूर्वजों की बात कर रहा हूँ विश। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू, गोटेन और चीची बात कर रहे होते हैं। गोटेन कहता है, डैड आप मुझे दोबारा तो छोड़कर नहीं जाओगे? गोकू कहता है, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। चीची कहती है, गोकू तुम अभी प्रॉमिस करो कि तुम कहीं नहीं जाओगे। गोकू कहता है, मैंने कहा ना चीची, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चीची कहती है, हाँ अब तुम सारा ध्यान खेत में लगाओगे, पता है इस बार फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। गोकू कहता है, तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद सीन यूनिवर्स 6 में जाता है। वेडोस कहती है, शांत रहिए लॉर्ड चैंपा। चैंपा गुस्से में कहता है, तुम तो बहुत ही बड़ी धोखेबाज निकली वेडोस, मेरे मरते ही तुमने नया डिस्ट्रॉयर रख लिया। तभी हमें वहाँ चीरेन मेडिटेशन करता नजर आता है। वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा ये मेरी मजबूरी थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था क्योंकि आपकी डेथ हो चुकी थी। चैंपा कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ था, तुम ही मुझे वहाँ अकेला छोड़कर आ गई थी। तुम्हें पता भी है उस इविल एंजल ने मुझे किस तरह से मारा था? वेडोस कहती है, हाँ लॉर्ड चैंपा मैंने आपको मरते हुए देखा था। चैंपा अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब ये सब तुम्हारी ही चाल थी, तुम मुझे मार कर इस टकले को डिस्ट्रॉयर बनाना चाहती थी। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुसीबतों का सामना करके इस पोजीशन को हासिल किया था, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा आप अभी गुस्से में हो इस वजह से ये सब बोल रहे हो। तभी चैंपा कहता है, कुछ भी हो मेरे रहते ये डिस्ट्रॉयर नहीं बन सकता, ओए
टकले चल अब खड़ा हो जाए यहाँ से। जिरेन अभी मेडिटेशन कर रहा होता है। चैंपा कहता है, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चल अब अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले और निकल यहाँ से। तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा शांत रहिए। चैंपा कहता है, तुम चुप करो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अरे तू यहाँ से जा रहा है या नहीं? जा अपने जोकर डिस्ट्रॉयर के पास। तभी चैंपा के पीछे से एक आवाज आती है, मैं इधर हूँ। अब चैंपा पीछे देखता है और शॉक्ड हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है चैंपा के पीछे जिरेन खड़ा है। चैंपा कहता है, तुम यहाँ हो तो फिर इधर कौन है? अब चैंपा पीछे देखता है तो जिरेन उसे नहीं दिखाई देता। जिरेन कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे थे इसलिए मुझे ध्यान से बाहर आना पड़ा। चैंपा कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यूनिवर्स 6 का डिस्ट्रॉयर बनने की? जिरेन कहता है, मैं यहाँ अपने फायदे के लिए नहीं रुका हूँ। मैं इसलिए रुका था ताकि तुम्हें ये पोजीशन वापस दे सकूँ। मैं बस टेम्प्रेरी डिस्ट्रॉयर बना था ताकि यूनिवर्स 6 को मदद मिल सके। मैं चाहूँ तो यहाँ का डिस्ट्रॉयर हमेशा के लिए बन सकता हूँ, क्योंकि तुमने इस यूनिवर्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तुम बहुत आसानी से मारे गए और ये बात जैनोसामा भी मान लेंगे, लेकिन मैं इतना लालची नहीं हूँ कि तुम्हारी पोजीशन पर मैं कब्जा कर लूँ। चैंपा कहता है, मुझे माफ कर देना जिरेन, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया था। मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। जिरेन कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है अब मुझे चलना चाहिए। इसके बाद जिरेन वहाँ से चला जाता है। वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा आज आपने पहली बार एक मॉडल से माफी मांगी, ये देखकर तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। चैंपा कहता है, अब बस भी करो और मेरे लिए जल्दी से कुछ खाने के लिए लाओ। वेडोस कहती है, मैं उतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, ये आप भी जानते हैं, उसमें समय लगेगा। चैंपा कहता है, काश यूनिवर्स 7 हमारा यूनिवर्स होता तो मुझे वहाँ बहुत कुछ खाने को मिलता। इसके बाद सीन बीरस और विश पर जाता है। बीरस कहता है, विश तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? विश पूछता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, गोकू की अचानक से ताकत कम होना कुछ गड़बड़ नहीं लग रही क्या? क्या तुमने सही से विश मांगी थी? विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस मैंने एकदम सही विश मांगी थी। बीरस कहता है, तुम किंग काई के साथ टेलीपैथी कनेक्ट करो। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। इसके बाद विश कहता है, किंग काई क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? किंग काई कहता है, हाँ विश बोलो क्या बात है, क्या लॉर्ड बीरस यहाँ आना चाहते हैं? तभी बीरस कहता है, नहीं तुम्हारे छोटे से प्लेनेट पर कुछ भी नहीं है इसलिए मैं वहाँ पे नहीं आऊंगा। तभी किंग काई खुश होकर कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी बीरस कहता है, क्या कहा? किंग काई घबरा कर कहता है, नहीं ये तो बहुत ही दुख की बात है। लॉर्ड बीरस आपने मुझे कैसे याद किया? बीरस कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। किंग काई कहता है, जी बोलिए क्या काम है? आपके लिए काम करके मुझे खुशी मिलेगी। बीरस कहता है, तुम गोकू के पुराने मास्टर रह चुके हो है ना? किंग काई कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस गोकू को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। बीरस कहता है, तो तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें गोकू की ताकत चेक करनी है और पता लगाना है कि क्या उसकी बॉडी में अभी भी उतनी ताकत है या नहीं। किंग काई कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस मैं आपको जल्द ही खबर दूंगा, लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? लॉर्ड बीरस कोई गड़बड़ हो गई है क्या? बीरस कहता है, अभी कुछ नहीं पता, तुम बस ये काम करके मुझे खबर दो। किंग काई कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस। इसके बाद विश किंग काई से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। किंग काई कहता है, लॉर्ड बीरस ने मुझे ये काम दिया है इसका मतलब जरूर कुछ हुआ है। इसके बाद सीन वजीटा पर जाता है। वजीटा कुछ सोच रहा होता है तभी अचानक से वहाँ धुआं आने लगता है। वजीटा को किसी की एनर्जी सेंस होती है। वजीटा गुस्से में कहता है, कौन है यहाँ? सामने आओ। तभी अचानक से वजीटा का फेस शॉक में बदल जाता है और हमें सब जगह बस अंधेरा नजर आता है। तभी हमें एकदम से वजीटा का एक नया रूप देखने को मिलता है जो कि बहुत ही डरावना होता है। दोस्तों
जाने से पहले ये सुन लो कि मैं इविल नहीं बना हूँ, इसलिए तुम मेरे बारे में कुछ गलत मत समझना, ये बस थोड़े टाइम की मुसीबत है, ओके? और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे जिसमें आपको मेरी इविल हरकतें देखने को मिलेगी, तो याद से आ जाना।